आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हम आपको बताते चले कि एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसका चमत्कार देखकर मोहम्मद गजनी को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था। ये मंदिर बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में है। जिला मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी 40 किलोमीटर है। इसे ब्रह्मेश्वर मनोकामना मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना ब्रह्म जी ने किया था। इस मंदिर के बारे में जानकारी अनेकों पुराणों में भी मिलता है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में यह शिवलिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। एक कारण है कि जिससे मनोकामना महादेव भी कहा जाता है। मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम मुखी ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिम मुखी है, जबकि देश के अन्य शिव मंदिरों का दरवाजा पूर्व दिशा में है। पश्चिम मुखी दरवाजा होने के बारे में बताया जाता है कि एक बार मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी मंदिर तोड़ने के लिए ब्रह्मपुर आया, तब स्थानीय लोगों ने मंदिर नहीं तोड़ने की गुजारिश की और कहा कि अगर मंदिर तोड़ोगे तो बाबा तुम्हारा सब कुछ विनाश कर देंगे। उल्टे पांव लौटा था मोहम्मद गजनी। लोगों के अनुरोध पर गजनी ने बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को चैलेंज किया और कहा कि अगर रात भर मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर हो जाएगा तो मंदिर को छोड़ देगा। अगले दिन जब वो मंदिर तोड़ने के लिए आया तो वह देखकर दंग हो गया। उसने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ हो गया है। इसके बाद वो वहां से हमेशा के लिए चला गया। जब मीडिया से स्थानीय लोगों से बात हुई तो लोगों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथ में सुधीर मिश्रा, निशांत पांडे उर्फ गुड्डू बाबा, शिव कुमार पांडे, श्रीकांत चतुर्वेदी, अमित शास्त्री, जयराम आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। परिचय बताइए थोड़ा। हमारा नाम धर्मराज पांडे है जी। हम लोगों का घर मकान यही है। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्मपुर से। ब्रह्मपुर जिला कौन सा पड़ेगा? पहले आ रहा था बक्सर हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आए हुए हैं बक्सर जिले में। बहुत ही विशाल मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं शंकर जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर। न्यूज 9 भारत के चैनल से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही विशाल मंदिर भोलेनाथ का। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि विशाल मंदिर है। पश्चिम भाई नहीं, अच्छा फिर छोड़ के हम लौट गए। मतलब इसको तोड़ फोड़ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, रात फोर्स था। अच्छा, मुसलमानी फोर्स लगी हुई थी। हाँ, रात में बुलंद आवाज हुआ जी, मंदिर घूम गया तो उधर का खुल बंद होकर के इधर खुल गया, कोई नहीं देखा। मतलब मंदिर का दरवाजा मतलब ऑटोमेटिक पश्चिम हो गया। हाँ, सिरकी चूना की जुड़ैया कहीं कुछ, मतलब कोई ब्रेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल मतलब दरवाजा पश्चिम हो गया। हाँ, ये सो लौट गई। सत्य माना जाला कि ब्रह्मपुर से पश्चिम मंदिर तोड़े के मुसलमानी कहानी बा। अच्छा, लेकिन एजा से पूरब नहीं, इसे पूरब कोई मंदिर नहीं टूटा, कोई नहीं। अच्छा जी, मुसलमान ऐसे अपनी हार मान लिए, हार मान के यहाँ से लौट, मतलब इस देवता को मान लिए कि नहीं इनमें शक्ति है। हाँ, और जो हिंदुओं की आस्था है वो बनी रहे। दरवाजा पूरब साइड में था, अच्छा, लेकिन मुस्लिम टाइम में उनके मुसलमान बाताओं का इस तरीके से विश्वास था कि हिंदू के आस्था मंदिर में है जी। जी, जो महान महान मंदिर है जी, उसको तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया जी, इधर से तोड़ के आए। काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद विद्यापुरी तुमने फैजाबाद कर दिया, मुसलमान नाम। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।